we discovered that Pakistan is one of the most vulnerable countries because of climate change and global warming. And we found that our glaciers were melting at a much faster pace. We discovered almost 5,000 glacial lakes because of global warming. We are number 7 country that is most vulnerable to global warming and climate change. We decided to plant 1 billion trees. Ourselves a target of planting 10 billion trees in Pakistan in the next 5 years. To say that we actually planted 1.1 billion trees in the last 5 years. एक्शन हदफ को डेडलाइन से 10 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की जानिब से हदफ के हुसूल का ऐलान सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 रिपोर्ट में किया है। आजादी से अब तक 30 नेशनल पार्क थी पाकिस्तान में। हमने अपने दौर में 9 नए नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए हैं। हमने 30 करोड़ दरख्त उगाए हैं। इंशाल्लाह अगली जून तक पाकिस्तान में हम 1 अरब दरख्त यूनाइटेड नेशंस यानी अक्वामे मुत्तहिदा ने एक क्लाइमेट एक्शन के लिए एक गोल मुकरर किया होता है, एक चैलेंज मुकरर किया होता है मुमालिक के लिए कि आपको ये करना होगा वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं। अब ये अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से चैलेंज दिया जाता है मुख्तलिफ मुल्कों को, उनको एक गोल मिलता है, एक टारगेट मिलता है। पाकिस्तान अचीव्स यूएन क्लाइमेट एक्शन गोल 10 ईयर्स अहेड ऑफ डेडलाइन, यानी अपनी डेडलाइन से 10 साल पहले पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा का वो एक्शन गोल जो है जो क्लाइमेट के हवाले से था वो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तमाम पाकिस्तानियों को इस पे मुबारकबाद। अपील करता हूं कि आपने दरख्तों को उगाना ही नहीं, पौधे लगाना सिर्फ नहीं, इनको बचाना भी है। स्कूल के अंदर हफ्ते में 2 घंटे होंगे हर स्कूल के अंदर, जो सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि बच्चों को मजीद और शऊर देना क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का, कैसे पौधे उगाने हैं, कैसे अपने मुल्क को साफ रखना है। में से सबसे पहले अचीव किया है, न सिर्फ सबसे पहले बल्कि 10 साल पहले ये टारगेट अचीव कर लिया है।